So, adjective. The Wohnung kostet 900 euro. The house, the apartment is costing 900 euro. तो जब amount 900 euro है, इन लोगों को या तो ये सस्ता लग सकता है या महंगा लग सकता है. दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना. तो इसमें टॉयर दे रखा है इसलिए ये टॉयर हो गया यहां पे. बट यहां पे रूम की साइज की बात हो रही है. आने वॉन्ट इम स्टूडेंट एन वॉन हाइम द सीमर इज नूअर फियरसन क्वाड्रट मीटर ग्रोस. ये रूम जो है वो ओनली 14 मीटर स्क्वायर बिग है. ओनली दिस बिग. सो लांग की कोई बात नहीं है, साइज बड़ा साइज है. तो रूम को या तो आप बिग बोलोगे. लॉन्ग का मतलब नहीं है, ग्रोस. फियरसन क्वाड्रट मीटर ग्रोस. ब्रूनो उंड हाइडर वोनन इन आइनम बावर्न हाउस. किसान का घर होता है. एस इट सीमलिश और उनका ओके मे बी. अब इसमें हालांकि ऑब्जेक्शन भी कर सकता है कोई, इसको मॉडर्न भी बता सकता है कि भाई किसान का मॉडर्न क्यों नहीं हो सकता. ठीक है. सो डिपेंड करता है ये आल्ट, बट जनरली वो इतना मॉडर्न नहीं होता गांव में जनरली. राइट. सो आल्ट कर दिया हमने. फैमिली गाल है हार्ट एंड हाउस मिट गार्टन डेर गार्टन इस्ट ग्रोस. गार्डन इज बिग. गार्डन को कोई एक्सपेंसिव या ऐसे नहीं बोलते, बिग बोलेंगे. बिग और स्मॉल ऐसे बोलेंगे. वी आर वोनन इन देयर स्टार्ट वी आर लिविंग इन द सिटी इम सेंट्रूम इन द मिडल ऑफ द सिटी एस इज स्लाइडर एट वास. अनफॉर्चुनेटली बीच में घर सिटी के बीच में रहने का ये नुकसान है. एसिस्ट एट वास लाउड. शोर शराबा रहता है, थोड़ा सा नॉइस रहता है. पेट्रा लेफ्ट इन क्योल सी इज लिविंग इन क्योल इयर ए वोनुंग इस्ट क्लाइन हर हाउस इज क्लाइन आवर देयर फ्लोर इस्ट. लेकिन कॉरिडोर जो है वो तो लॉन्ग. कॉरिडोर इज लॉन्ग. घर छोटा है लेकिन कॉरिडोर बड़ा है. तो कॉरिडोर में भी कुछ सामान रख लेगी शायद, इसलिए खुश हो रही है.